हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विथ वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस वैकेंसी फॉर CA, CMA, MBA। ओके, सो आप इस वैकेंसी को पूरा देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है NTPC लिमिटेड का, ये फ्रेशर का वैकेंसी है। ओके, फ्रेशर का वैकेंसी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर करके इसको आप अच्छा से रीड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी कहाँ है? NTPC लिमिटेड में। NTPC लिमिटेड एक PSU है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस में 20 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस MBA फाइनेंस का है तो 10 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए, CA CMA को अलग 20 वैकेंसी दिया है और MBA फाइनेंस को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिया है। चलो 10 वैकेंसी आप लोग को, मतलब MBA वालों को सेपरेट दिया, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो है HR से रिलेटेड है, HR वाले उनको 30 वैकेंसी यहाँ पे। ओके, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस CA CMA का क्या मांगा है यहाँ पे? CA CMA क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टेटरी अथॉरिटी इन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। इफ यू आर ए क्वालिफाइड CA और CMA एंड इफ यू आर ए फ्रेशर, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस MBA फाइनेंस में क्या है? ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए, चाहे MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टेटरी अथॉरिटी इन इंडिया विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स एज पर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। किसे? MBA फाइनेंस वालों को बोला गया है कि 65% इन लोगों का मार्क्स होगा तभी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। 65% मार्क्स हो जाए MBA वालों का, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग यहाँ पे HR का भी है, तो HR का भी देख लीजिए, इसमें भी MBA आपका मांगा है, ठीक है, और इसमें भी 65% मार्क्स मांगा है HR वाले को, ठीक है। MBA है, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 65% मार्क्स एज पर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको 65% मार्क्स होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर MBA, ठीक है, एंड फॉर CA और CMA इफ यू आर फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है मैक्सिमम 29 ईयर्स रखा गया है। 29 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, 29 ईयर्स यहाँ पे है, एंड अगर आपका 29 ईयर्स से नीचे है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जैसे कि जो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसा होने वाला है। और उसमें क्या है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल होगा, 85% आपका टेक्निकल प्रोसेस आएगा, 50% नहीं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होगा। मतलब यहाँ के क्या है ना कि पहले CBT होगा फिर इंटरव्यू होगा। देखिए, एक एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। एग्जामिनेशन का जो वेटेज है वो 85% होगा और ऑनलाइन इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% होगा, ठीक है। और ये जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पेपर की बात करें, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, कितना नॉन टेक्निकल से आएगा, ये कुछ ऐसा वेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि 60-40 का पोर्शन होता है, अगर 60% अगर टेक्निकल आ रहा है तो 40% नॉन टेक्निकल आता है, जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। 30-70 या फिर 60-40 जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है, या डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम, ठीक है, ये वेरी भी करता है। चलिए, यहाँ पे ये जो फाइनल सिलेक्शन से रिलेटेड था कि 85% वेटेज दिया जाएगा आपका CBT का और 15% इंटरव्यू का। ओके, टेस्ट सेंटर की बात करें, जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम आपको पता चलेगा कौन सा टेस्ट सेंटर आपको चूज करना है, उस टाइम आपको पता चलेगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस CA CMA में, जैसे बता चुका हूँ, 20 वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व वाले का 10 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी वालों का 10 वैकेंसी है, EWS 1 और OBC 5, OBC 5, SC 3, ST 1। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस MBA फाइनेंस का देखिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है और अनरिजर्व जनरल वाले का 6 है और EWS 1, OBC 2, SC 1। ओके, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग HR का बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, अनरिजर्व 14, EWS 2, OBC 8, SC 4 एंड ST 2।
ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आपको बताया, आप सैलरी पैकेज का बात करें तो यहाँ पे आपको पे स्केल आपको 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक यहाँ पे पे स्केल होने वाला है। बेसिक पे आपका 40,000 से स्टार्ट होगा, इवन ग्रेड में आपका ज्वाइनिंग होने वाला। अगर इसका सैलरी का अगर बात करें पर एनम के हिसाब से, इसका सैलरी आपको 11 लाख से लेकर के 12 लाख के अप्रोक्स रहेगा। ओके, 11 से 12 लाख आप मान सकते हो कि इसका पैकेज रहेगा। तो पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको यहाँ पे जहाँ भी इसका जरूरत होगा, इसका जहाँ भी लोकेशन होगा आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता दिया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट का बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 7 मार्च से, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो है 21/3/2022। 21 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, अप्लाई फॉर दिस NTPC का जो वैकेंसी है इसका आप 21/3/2022 तक अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू।